मना पहले कहा था कि 31 जनवरी तक में सरकार गिर जाएगी आ जाए। नीतीश कुमार के सीएम पद से त्याग पत्र देने के बाद आपको बता दें वो नई सरकार बनाएंगे, अब वो भाजपा में आ गए हैं। इसी को लेकर पशुपति कुमार पारस का नया बयान आया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अब बिहार का जंगल राज समाप्त हो गया, बिहार में विकास होगा और विकास की नई नई उम्मीदें जगेंगी। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस, आप उनकी बात ध्यान से सुनिए। का आगमन हो गया, बिहार का विकास होगा। एनडीए गठबंधन के तहत भारत सरकार और बिहार सरकार मिलके बिहार का जितना भी विकास होगा। शुभ दिन है, हम एडवांस माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए हम बधाई देते हैं। भविष्यवाणी बहुत पहले कर दिए थे, मैं तो एक महीना पहले कहा था कि 31 जनवरी तक में सरकार गिर जाएगी आ जाए, 28 है गिर गई सरकार। क्या कहिए, कितने खुश हैं? हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। चिराग पासवान भी इसी गठबंधन में है, नीतीश कुमार के विरोध। मुझको कोई आपत्ति नहीं है। आप चिराग पासवान से पूछिए इस गठबंधन में रहेंगे कि किसी दूसरे गठबंधन में जाएंगे। देखिए, ये तो चिराग पासवान का मामला मेरा मामला नहीं है। हम गठबंधन में थे, हैं और जब तक जिंदा रहेंगे मैं रहूंगा। आरजेडी परिवार अब विरोध करने कर रहे हैं इंडिया। राजनीति में विपक्ष का काम है विरोध करना। कूड़ेदानी फिर से गए कूड़े में। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये उनकी सोच है। आखिर 15 महीना से सरकार में कैसे थे वो? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।